फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही हेल्दी वाला सैलेड। ये मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं, गाजर है, शिमला मिर्च है और थोड़े से मशरूम्स हैं। इनको मैंने स्टीम कर लिया है, बस हल्का सा स्टीम किया है, ज़्यादा नहीं इसको उबालना। और साथ में मैंने काटे हैं प्याज, टमाटर और इसके नीचे खीरे भी हैं। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे, इसमें डाल लेंगे। और ये मैंने रखा है लहसुन कद्दूकस करके, और दो नींबू लिए हैं। इसको हम बाद में करते हैं, पहले हम सबको मिक्स कर लेते हैं। और ये है मेरा टोफू जो कि मैंने घर पे बनाया है। इसकी रेसिपी मैंने डाल रखी है ऑलरेडी ही यूट्यूब पर, तो ये टोफू के भी मैं पीसेस कर लूँगी और इसमें मिला लूँगी। आप देख सकते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट बना है, एकदम से सॉफ्ट है, ये बहुत ही बढ़िया। सोयाबीन का जो पनीर बोलते हैं जिसको, ये वही है। इसको भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। इसके बाद हम करेंगे थोड़ी सी पीनट, इसको मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था तवे पे, इसके छिलके निकाल लिए हैं और ये भी डाल देंगे। आज तो फुल ऑफ प्रोटीन वाला सैलेड बन रहा है हमारा। और मेरे पास है काले चने उबले हुए, आपके पास स्प्राउटेड हो तो आप स्प्राउटेड वाले भी डाल सकते हो, तो और भी हेल्दी होंगे। इसे हमने मिक्स करके रख दिया है और अब हम इसकी बनाएंगे एक ड्रेसिंग। ये मेरा मिक्सर जार है, इसमें मैंने 5 से 6 काली मिर्च क्रश करके रखी है। इसमें हम डाल देंगे गार्लिक, मैंने कुछ ज़्यादा ही लिया है, हम लोग ज़्यादा ही खाते हैं गार्लिक। इस ड्रेसिंग को ज़्यादा बना के भी रख सकते हो आप एक हफ्ते के लिए। अब हम ये नींबू का रस निकाल लेंगे। मैं दोनों ही नींबू डालने वाली हूँ क्योंकि मेरा सैलेड थोड़ा ज्यादा है। अब हम डालेंगे इसमें ऑलिव ऑयल, ये कम से कम एक बड़ा स्पून जाएगा, बड़ा टेबल स्पून। और अब हम इसको एकदम से थोड़ी देर के लिए चर्न करके लाती हूँ मैं इसको। आप देख सकते हो इसकी बहुत ही अच्छी ड्रेसिंग बनकर रेडी हो गई। इसको हम रखेंगे साइड में। मैंने सैलेड को मिक्स कर लिया, अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़े से चिली फ्लेक्स, थोड़े ही डालेंगे क्योंकि हमने इसमें काली मिर्च डाल रखी है। और अब हम डालेंगे ये इसकी ड्रेसिंग्स, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो, मैंने आधी ही डाली है। अब हम इसे करेंगे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स, ये बहुत ही टेस्टी बनने वाला है सैलेड। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप भी बनाइए, ट्राई कीजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आगे आने वाले न्यू रेसिपीज मिल सकें। तो फ्रेंड्स, मेरा ये सैलेड बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। इसके ऊपर मैं डालूँगी कटा हुआ धनिया, अब मैंने धनिया भी मिक्स कर दिया इसको अच्छी तरह से। अब हम इस बॉल को किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं। और इसके ऊपर से थोड़ा सा और धनिया हम डाल देते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको ये रेसिपी? अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ जो मैंने अभी आपको कहा है प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।